हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का क्विज। मतलब इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित होंगे। ये जितने भी सवाल हम यहाँ देखने जा रहे हैं, ये सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं। हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लेकर इन सवालों को बनाया है। यह 20 महत्वपूर्ण सवाल आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, हमने इस वीडियो में सिर्फ यहाँ सवाल पूछे हैं, आपको इन सवालों का जवाब देना है। लास्ट तक वीडियो में बने रहें और अंत में हमने इस वीडियो में इन सवालों का जवाब प्रोवाइड कराया है। आप अपने आंसर को और हमारे जवाब के आंसर के साथ मेल कराएं और अपने नॉलेज को चेक करें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के साथ बने रहें। पहला सवाल है, प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं ए सेवा सदन, बी प्रेमा, सी कर्मभूमि और डी गोदान। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आंसर जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हमने लास्ट में इन सभी क्वेश्चनों का आंसर प्रोवाइड कराया है। आप अपने नॉलेज को चेक करें, हमने आपके नॉलेज को चेक करने के लिए यह वीडियो बनाया है। आप खुद से अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं और हमारे आंसर के साथ अपने आंसर्स को मिला सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ईषत स्पर्श या अर्ध स्वर है? इसके ऑप्शंस हैं ए आ ई, बी ओ का, सी या वा, डी सा शा। तो दोस्तों, यहाँ भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर अपने आंसर को नोट कर सकते हैं और हमारी इस वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड किए गए आंसर के साथ मेल करा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आंसर को इस वीडियो में कमेंट करें। तीसरा सवाल है, ताड़न जात व्यंजन है? इसके ऑप्शंस हैं ए टाठा, बी राढ़ा, सी राड़ा, डी ना ला। तो दोस्तों, जवाब आप दे सकते हैं कमेंट करके। अगला सवाल है, महादेवी वर्मा का संस्मरण गिल्लू किस संकलन में है? इसके ऑप्शंस हैं अतीत के चलचित्र, बी पथ के साथी, सी मेरा परिवार और डी स्मृति की रेखाएं। अगला सवाल है, भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी है? इसके ऑप्शंस हैं राधा चरण गोस्वामी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी बाल मुकुंद गुप्त और डी प्रताप। अगला सवाल है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 5, बी 7, सी 9, डी 18। अगला सवाल है, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए यशोधरा, बी वैदेही वनवास, सी भारत भारती, डी साकेत। अगला सवाल है, लक्षण ग्रंथों की रचना की काल की प्रति है? इसका ऑप्शंस है आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। अगला सवाल है, रीतिकाल को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति युक्त में किसने बांटा? इसका ऑप्शंस है रामचंद्र शुक्ल, बी नगेंद्र, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी रामकुमार वर्मा। अगला सवाल है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर कृत जीवनी का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन ए 1964, बी 1974, सी 1984, डी 1980। अगला सवाल है, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरला कवियों में ही मिलता है, शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? इसके ऑप्शंस हैं ए केशव, बी चिंतामणि, सी देव और डी घनानंद। अगला सवाल है, किस कवि के दोहों को शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है? ऑप्शंस हैं ए बिहारी, बी तुलसीदास, सी देव और डी कबीर। अगला सवाल है, भाषा भूषण रचना है? इसके ऑप्शंस हैं ए जसवंत सिंह की, बी भूषण की, सी मतीराम की, डी बेनी प्रवीण की। अगला सवाल है, बलचनामा किसकी रचना है? इसके ऑप्शंस हैं ए शमशेर बहादुर सिंह, बी नागार्जुन की, सी कमलेश्वर की या डी नामवर सिंह की। अगला सवाल है, रामचंद्र शुक्ल की सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है? ऑप्शंस हैं ए काव्य में रहस्यवाद, बी रस मीमांसा, सी जायसी ग्रंथावली, डी भ्रमर गीत सार। अगला सवाल है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? कौन है? ए राजेंद्र कुमार, बी कमलेश्वर, सी सत्य प्रकाश मिश्र या डी कुशवंत सिंह। अगला सवाल है,
सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं ऑप्शन ए निराला, बी मोहन राकेश, सी अमृतलाल नागर, डी प्रेमचंद्र। अगला सवाल है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, बी रामचंद्र शुक्ल जी का, सी रामविलास शर्मा जी का, या डी नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला सवाल है, मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं ऑप्शन ए दादूदयाल, बी कबीरदास, सी रैदास, या डी सुंदरदास। अगला सवाल है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं ऑप्शन ए पुष्पदंत, बी शलिभद्रसुरी, सी स्वयंभू, डी हरिभद्रसुरी। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो के जवाब देखेंगे। क्वेश्चन पहले का ए, क्वेश्चन दूसरे का सी, क्वेश्चन तीसरे का बी, चौथे का सी, पांचवें का सी, छठवें का बी, सातवें का बी, आठवें का सी और नौवें का सी, दसवें का बी, ग्यारहवें का सी, बारहवें का ए, तेरहवें का ए, चौदहवें का बी, पंद्रहवें का ए, सोलहवें का बी, सत्रहवें का सी, अठारहवें का बी, 19वें का बी और 20वें का ए। दोस्तों अगर आपके पास यूपीएससी से संबंधित कोई भी समस्या या सुझाव है तो उसके लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट तैयारी कर लो पे, आप वहां अपनी समस्या और सुझाव शेयर कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और तैयारी कर लो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।